नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हो। अभी फ़िलहाल में हम आ चुके हैं आलू मंडी छिबरामऊ में, और अभी फ़िलहाल में हम देख पा रहे हैं कि आज छिबरामऊ मंडी में ओनली इस समय सिर्फ सभी कट्टों की जो सिलाई है वो चल रही है। आलू की बिक्री अभी हमें कहूँ मतलब किसी भी जगह पर देखने को नहीं मिल पाई है। बाजा की हमें लग रहा है आज आमदनी भी जितनी भी आई थी उतना सारा आलू बिक गया है। बाजा की भी धीरे धीरे करके इक्का दिक्का ट्रालियाँ भी आ रही हैं। अभी फ़िलहाल में आज दिनांक जो है आपका 29 जनवरी 2022 है, और अभी बैक कैमरे से बात करते हैं छिबरामऊ मंडी में आज किस क्वालिटी के आलू किस भाव में बिके हैं। तो चलिए बैक कैमरे से आपको यहाँ के किसी आड़ती भाई से या व्यापारी भाई से मिलवाते हैं और जानते हैं आलू का भाव क्या है। आप लोग अगर इसी प्रकार से आलू का रोजाना का अपडेट जानना चाहते हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार से आलू का रोजाना का अपडेट लाते रहते हैं। तो इधर देखो, आप लोग देख पा रहे हो कि अभी इस समय क्या है, सुबह सुबह बिक्रियाँ भी हो चुकी हैं और आलू की जो तौल है जिस हिसाब से मतलब कट्टों में मतलब जो लोग बाहर माल भेजते हैं इस हिसाब से आलू की तेल वगैरह होके और सिलाई भी हो चुकी है और कुछ गाड़ियों पे लोडिंग भी हो रही है। बाद बाकी भी फ़िलहाल में बिक्री हमें लग रहा है नहीं हो रही है कहीं भी, इक्का दुक्का जगह हो रही होगी, लेकिन अभी क्या है आज हमें लग रहा है आमदनी जितनी भी आई थी सारा का सारा आलू बिक गया है। बाद बाकी सभी लोग आराम से धूप में बैठे आराम कर रहे हैं, और इधर भी देख पा रहे हो आप लोग सभी लोग मतलब इस समय बहुत ही तसल्लीपूर्व मालूम पड़ रहा है। और इधर आलू आड़ती दादा, क्या नाम आपका? विजय कुमार गुप्ता। आज क्या पोजीशन है मंडी में? आलू का 250 रुपए लेके 350 रुपए, मतलब 250 रुपए से लेके 350 रुपए पैकेट। अच्छा, आज मंडी में हमें लग रहा थोड़ा बहुत सन्नाटा सा, मतलब आज सिर्फ लोडिंग लोडिंग दिखाई दे रही है। इस समय अराइवल कम है आज, मतलब आमदनी कम है ना, सुबह सुबह आमदनी कम है तो अभी मतलब शाम को हमें लग रहा कुछ और भी ज्यादा कम हो जाएगी। नहीं, हो सकता है खुदाई दिन में लगी है, धूप निकली है, शाम तक आएगा मौसम के हिसाब से। नहीं, खुदाई 2-3 दिन से बराबर धूप निकल रही है, अब तो धूप तो बराबर निकल ही रही है, खुदाई वगैरह भी हो रही है, लेकिन हमें अब ऐसा भी लग रहा है कि नहीं मालूम पड़ रहा है कि जो आलू है कच्ची सीजन का लास्ट पे आ गया है, अब सिर्फ कोल्ड वाला बचा है। कोल्ड वाला बचा ऐसा लग रहा है ना। क्या लगता है आलू के दाम में कब तक सुधार आ सकता है? एक हफ्ता बाद सुधार आ सकता है ऐसा लग रहा है। बाकी अभी आज छिबरामऊ मंडी में सफ़ेद आलू जो है 250 रुपये से लेके और 325 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से बिका हुआ है, और लाल आलू दादा क्या भाव में बिके हैं? लाल आलू 350 रुपये। लाल आलू जो है आपके आलू 350 रुपये पौने 400 रुपये। अच्छा, बढ़िया आलू मतलब 300 तो लेके और पौने 400 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से बिका है। बाकी ये कुछ भैया लोग बैठे, भैया आज काम धंधा नहीं क्या? क्यों भैया काम धंधा नहीं है, मतलब माल कम आया आज? देखो इसीलिए ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, आज आमदनी जो है थोड़ी कम लग रही है। बाकी मैं देख पा रहा हूँ। अच्छा दादा, ये जाली में क्यों आलू जाता है, इसका क्या रीजन होता है? जाली में बिहार मांगता है तो जाली में जाता है। अच्छा, बिहार में जो डिमांड है वो इस समय क्या होता है? जो जाली वाले बोरे होते हैं, ये आप लोग देख पा रहे हो छोटे छोटे बोरे हैं, और ये जाली वाले बोरे हैं, और इसमें जो है जाली में वजन 50 kg होगा समथिंग होगा, कट्टों में भी इतना ही। कट्टों में भी इतना ही, लेकिन जाली में मांगने का क्या रीज़न रहता है? अब वो अपनी अपनी डिमांड की बात है। अच्छा, उन्हें जाली में चाहिए होगा है, लगा देते हैं अपना, हवा लगती रहती है जाली में। और बाद बाकी आप लोग देख पा रहे हो इधर अभी चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं कि मंडी का जो हालचाल है आज का कैसा है, और यहाँ पे जो आलू का भाव है समथिंग आपका जो है 250 से लेके 300 रुपये के आसपास चल रहा है। बाद बाकी आप लोग देख पा रहे हो सभी जगह जो आलू की बिक्री थी हो चुकी है समथिंग, और अब लोडिंग हो रही है। ऐसा लगता है कि जैसा फरखाबाद की मंडी में सुबह सुबह आलू का जो बिक्रियां हो जाती हैं वो इस समय हो चुकी हैं, लेकिन अभी आमदनी नहीं हो रही है और सिर्फ लोडिंग लोडिंग मतलब नज़र आ रही है आज छिबरामऊ मंडी में। बाद बाकी भी यहाँ पे भी आप लोग और दिखाते हैं, किसी अन्य जो है आड़ती भाई से या व्यापारी भाई से मिलवाते हैं तो क्या पोजीशन है। तो चलिए मेरे साथ तो हमारे साथ ये आलू व्यापारी राममोहन भैया जी हैं, जो कि बिहार से इस छिबरामऊ मंडी में आलू का व्यापार करते हैं। भैया, आज आलू का क्या पोजीशन है मंडी? आज आलू बिका है बढ़िया 270 रुपये, 350 रुपये, मतलब बढ़िया आलू जो है 270 रुपये से लेके और 325 रुपये सफ़ेद आलू।
अच्छा लाल आलू का बात करें तो लाल आलू 350 से लेके 400 ले लो। लाल आलू 350 से लेके 450 सुपर आलू बढ़िया 425। आज कई गाड़ी बनी है आपने, कई गाड़ी बनाई? दो गाड़ी बना पाई है। कम आलू आया है या मतलब बनाई दो? आमदनी कम है तो हमें लग रहा है इसके मतलब अपेक्षा से मालूम पड़ रहा है कि आज शाम तक आमदनी कम होगी तो दाम भी थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, टाइट लग रहा है ना मामला। अच्छा ये आमदनी कम आने का रीजन क्या है अभी? आमदनी मंदा के चलते कम हो गई है, मंदा के चलते भी कम हो गई। ऐसा भी लग रहा है कि अब जो है कच्ची सीजन का आलू समाप्त भी हो गया है, अब कोल्ड खुलने वाले हैं तो किसान सोच रहे हैं कोल्ड में रखें या बेचें, ये बात। हाँ अब पक्के सीजन के लिए थोड़ा रुक रहे हैं। अच्छा अच्छा, जो पक्के हो जाए तो कोल्ड धारा। आपके अनुमान से आलू का दाम कब बढ़ सकता है? आलू के दाम बढ़ने के कोल्ड खुली 15-20 दिन के बाद तब रेंज पर आ जाइए। अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक। तुम्हारे बिहार का क्या पोजीशन है? बिहार के पोजीशन हल्के है यार, मतलब वहाँ खुदाई चालू हो गई ना, थोड़ा बहुत चालू तो क्या, कैसा आलू निकल रहा वहाँ? आलू सही निकल रहा है, जैसा लोग इस साल कह रहे हैं कि इस साल पहले के अपेक्षा से सही सलामत प्रोडक्शन है वहाँ पे? नहीं सही है, सही है। अच्छा अच्छा चलिए, तो अभी आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं कि आगे चल के आलू का दाम का बढ़ने का संभावना है तो कब है और किस प्रकार से आलू का पोजीशन रहेगा। तो इधर आलू का बिक्री वगैरह हो रहा है, तो अभी ये बिक्री वगैरह होगा वो भी आप लोगों को हम दिखा देंगे। अभी फ़िलहाल में आप लोग चल पा रहे हो और इधर यहाँ पर जो लोग व्यापारी भाई, आड़ती भाई, किसान भाई हैं, सब लोगों से बातचीत भी करेंगे इन लोगों के अनुमान से।